मैं बना रही हूँ रवा इडली। यह काफ़ी सॉफ्ट बनता है। स्वागत है मेरे चैनल में, मैं हूँ कल्पना। रवा इडली या सूजी की इडली बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही और नमक जो कि स्वाद अनुसार डालना है, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा तेल और बेकिंग सोडा। सबसे पहले मैंने सूजी में स्वाद अनुसार नमक डाला है, फिर इसमें दही डालकर इसे मिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे 1 कटोरी दही के मिला रही हूँ। सूजी में मैंने सारा दही मिला लिया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी डालकर इसे मिलाना है और एक गाढ़ा बैटर बनाना है। इसे अच्छी तरह से मिलाना है। बैटर तैयार है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट बीत चुके हैं। सूजी पानी एब्जॉर्ब करके ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब इसे थोड़ा पतला करना होगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच तेल। इन सबको मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे सही कंसिस्टेंसी में पतला करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला रहे। इसे मिला लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटना है। अब मैंने इडली स्टैंड लिया है। अब इस पर तेल लगाकर फैला लेंगे। इसमें बैटर डालना है बड़े चम्मच से, 1 से 1.5 चम्मच करीब। साथ ही साथ मैंने चूल्हे पे प्रेशर कुकर चढ़ा दिया और इसमें करीब 1.5 से 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। सारे ट्रे को भर लेंगे। मैंने इडली स्टैंड को सेट कर लिया है। प्रेशर कुकर को मैंने मध्यम आंच पर रखा है। अब मैं इसमें इडली स्टैंड डाल रही हूँ। कुकर को बिना सीटी लगाए बंद करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट मध्यम आंच पर छोड़ना है। जब तक ये इडली हो रहे हैं तब तक मैं मूंगफली की चटनी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने मूँगफली को लिया है और कढ़ाई में बिना तेल डाले इसे भून रही हूँ। ये भून चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हाथ से रगड़कर छिलके अलग कर लूँगी। मूँगफली को पीसने के लिए मैंने मिक्सी में लिया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। साथ ही साथ इसमें डालेंगे लहसुन की कुछ कलियाँ और हरी मिर्च। थोड़ा पानी डालकर पीसकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे पीस लिया है। अब 1 चम्मच सरसों तेल में थोड़ा सा राई पकाकर इस पर डाल दें। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब 5 मिनट इसे ठंडा होने, इडली बन चुकी है। थोड़ा ठंडा होने पर इसे निकाल लेंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो आसानी से निकाल सकते। चम्मच या छुरी की मदद से इसका किनारा अलग कर लेंगे। पहले चारों तरफ से हल्का हल्का इसका किनारा अलग करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तैयार है सूजी की इडली। इसे मैंने मूंगफली की चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।